Next, drawing of me, elephant. ये जो आपकी बुक में ड्राइंग दी हुई है उसमें जो डॉट्स दिए हुए हैं उसको आप कंप्लीट करेंगे। जो पहले पिक्चर दी है उस पर पेंसिल को ट्रेस करेंगे, लाइन जो बनी हुई उनको ट्रेस करेंगे और फिर जो डॉट्स दिए हुए उसको ट्रेस करेंगे। और इस तरीके से आप पहले एक बार एलिफेंट अपनी बुक वाला ड्राइंग उसकी कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हमको इसकी जो लाइंस हैं वो कैसे बनाना है और कैसे उसको आगे करना है। इतना स्पेस छोड़कर हम यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जिससे कि हमको स्पेस मिल जाए यहाँ तक आने में। जो एलिफेंट की ट्रंक है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आप लोग बनाएंगे जरूर, फिर वो कैसा भी बने, जब आप लोग उसको ट्रेस करेंगे डॉट्स को तो आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे बनाना है। यहाँ से थोड़ा सा थिन होना स्टार्ट हुआ है, ये जो कर्व है और इसके बाद इसकी जो हाइट है वो ऊपर तक जा रही है। ये कर्व है और कर्व से हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। छोटे छोटे कैरेक्टर से उसकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती थी, ये लाइंस बनाई, ये लाइन बनाई, तो उससे हमको उसका जो कैरेक्टर है वो क्लियर होता चला जाता है। ये ईयर है, ईयर देखिएगा आप यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ तक आने के बाद ये पहले ऊपर गया और उसके बाद ये यहाँ आके स्लिम हो गया है, ये लाइन जो है वो कट होती चली गई है। जब हमारा अभी आप जब पेंसिल चलाएंगे तो पेंसिल को प्रेशर से नहीं चलाएंगे, पेंसिल बिल्कुल लाइट, जिससे कि हम जब इसको क्लीन करें तो ये एकदम हमारी स्मूथली क्लीन हो जाएगी। और अगर आपने प्रेशर से पेंसिल को चलाया तो वो लाइन वहाँ बन जाती है और फिर वो पेंसिल जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो पेंसिल वहाँ आके रुक जाती है। और देखिए मैं आपको वो बताऊँगी, जैसे हमने ये वाली पेंसिल को स्मूथली नहीं चलाया, खूब डार्क किया, अब जब हमने इसको इरेज किया कितना भी करेंगे, ये देखिए अब हम जब पेंसिल चलाएंगे तो ये यहाँ की देखिए लाइट बनने लगी। इसलिए आप बिल्कुल लाइट हैंड से ही चलाएंगे। पहले एक बार केवल प्लेसमेंट कर लीजिएगा, जब प्लेसमेंट हो जाता है माने सब चीजें अपनी जगह पर लाइंस वगैरह आ जाती हैं, फिर हम उसको आगे क्लियर करेंगे। ये जो लाइन है अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, ये लाइन यहाँ से डाउन है, यहाँ से अप हुई, फिर ये यहाँ पर आके इसको ज्वाइन करती है। इसके बाद जब ये हमारा बनता है, ये वाला पार्ट आ जाता है, ये यहाँ से ईयर निकल रहा है।
ये ईयर का जो पार्ट है ये यहाँ से डाउन होके और फिर ऊपर जा रहा है। एलिफेंट के ईयर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। एक सेकंड लाइन, अब जो इसका पार्ट है अभी देखिएगा, ये यहाँ पर ख़त्म है, यहाँ से निकला है और यहाँ से थोड़ा ऐसे करके निकला जिससे कि इसमें एलिफेंट का लुक आ जाता है। देखिए अपन ने यहाँ से शुरू किया था, अभी ख़त्म होते होते देखिए यहाँ तक आ रहा है, इसलिए हमने इसको इतने दूर से प्लेसमेंट करना स्टार्ट किया था। अभी हम बिल्कुल लाइट हैंड से ही वर्क कर रहे हैं और ये देखेंगे कि क्या सही सब चीज़ें सही जगह पर आ रही हैं। उसके बाद फिर आगे हम इसको क्लियर करेंगे। ये पैर इससे पीछे है और कितनी दूरी पर है उसको देखते हुए हम वर्क कर रहे हैं। तो ये इसकी जो ड्राइंग है वो बन गई है। जो इसमें बॉल बताई है, बॉल आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं, जैसी भी आपको बॉल बनानी हो, जैसा आपको डिज़ाइन बॉल की रखनी है वो आप कोई किसी भी टाइप की बॉल रख सकते हैं। आउटलाइन और बॉर्डर, बॉर्डर आपका ज़रूर होना चाहिए ड्राइंग में और उसके बाद आप आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने से ड्राइंग हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसकी, है ना, इसलिए आउटलाइन ज़रूर करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये ड्राइंग हमारी ऐसी बन रही है या वैसी बन रही है, आपको अपना काम कंप्लीट करना है। एक बार में कोई भी ड्राइंग, क्योंकि अभी आप लोग छोटी क्लासेस में हैं तो एक बार में कोई भी ड्राइंग आपकी सही नहीं बनेगी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ड्राइंग सही बन जाती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा, बस बनाना ज़रूर है। और सब कॉपी में आप अपने रखते जाइए, क्योंकि हमको जब अब स्कूल ओपन होगा तो हमको सब आपका चेक करना है। ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जब हमने स्केच किया तब इसको थोड़ा सा सूखने देंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस थी उसको हम इरेज कर देंगे। ये देखिए हमने प्रेशर से पेंसिल चलाई थी तो ये अभी तक दाग नहीं जा रहा है उसका। अब आपके पास
पेस्टल कलर हैं, क्रियॉन्स हैं, जो भी हैं आप कोई भी कलर उसके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने स्वान बनाई होगी उसके लिए आपने पेस्टल कलर लिए ही होंगे, तो अभी अपन पेस्टल कलर सभी के पास होंगे तो अपन भी पेस्टल कलर ही यूज़ कर लेते हैं। इसमें ग्रे कलर करेंगे पहले अपन एलिफेंट में। ऐसे पूरे में नहीं करिएगा, जैसे ये यहाँ पर जा रहा है ये राउंड में जाएगा, तो इसको राउंड में ही ऐसी जो हमारी आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आप कलर्स को करिएगा, जैसे हमने इसी के अंदर करना है। ये हमारा एलिफेंट कंप्लीट हो गया है। बॉल भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पीछे थोड़ी सी ग्रीनरी बना सकते हैं, तो कोई भी एक कलर लेकर, क्योंकि हमको बैकग्राउंड भी कंप्लीट करना है। ऊपर लाइट कलर का ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर ले सकते हैं। इसके बाद सिंपल बस आप ऐसे कलर लीजिए और ऐसे करके ये निकाल दीजिए, तो ये हमारी ग्रास बन जाएगी। और लास्ट में एक बॉर्डर बनाना है आपको, तो ये लाइन को इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी चीज़ फ्रेम में अच्छी लगती है ना। आप मार्कर से, स्केच से, किसी से भी कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ये वाला वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग करके और छोटे छोटे वीडियो शेयर करिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोग कैसे बना रहे हैं। ठीक है।